हाय एवरीवन, आई एम जरक्ष आज ए फ्रेंड। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इस टाइप का ग्लास फंड सीखेंगे, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया जाएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सलैब ऐप को ओपन करना है और सिंपली यहाँ पे अपना नेम टाइप कर लेना है। कोई भी आप नेम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँगा रोजी। रोजी लिखने के बाद डन पे क्लिक कर देना है और ओके करना है। ओके करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ए बी वाले ऑप्शन में आ जाएं। माय फॉन्ट में आकर आप लोगों ने फॉन्ट यूज़ करना होता है, तो अगर यहाँ पर आप लोगों से फॉन्ट ऐड नहीं होते तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वो वीडियोस देखकर यहाँ पर आप बड़े इजी तरीके के साथ फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को पता है उनको तो फिर पता ही पता है, जिनको नहीं पता तो वो वीडियो भाई ज़रूर देख लें। आप लोगों के बहुत काम की वीडियोज़ है, ठीक है, जो आप मतलब कॉमेंट सेक्शन में या बाकी सोशल अकाउंट पर आप मतलब ये कहते हैं ना कि भाई मुझे फॉन्ट ऐड करने का नहीं पता, बता दें, तो वो वीडियोज़ देख लें, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों ने इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने करना है कैपिटल लेटर में एफ टाइप करना है। तो जितने मतलब यहाँ पर ऊपर शेप वगैरह जो कुछ लगाऊंगा वो आज हम फॉन्ट ही लगाएंगे और कोई चीज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। मतलब ऊपर ज्वेलरी लगाएंगे और ना कोई शेप पीएनजी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली यहाँ पर ये वाला फॉन्ट लगाऊंगा और सिंपली आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर एल को सिलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर एल को हटा देना है, यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। ए बी सी लिखने के बाद डन पे क्लिक और सिंपली यहाँ पे फॉन्ट चेंज। कौन सा फॉन्ट लगाना है? बोनस हार्ट, ठीक है। बहुत मशहूर और मारूफ फॉन्ट है, ठीक है। तो जितनी भी आज तक रिटर्न होती आ रही है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया फॉन्ट है, ठीक है। तो जितने फॉन्ट में यूज़ करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप लोगों ने शेप में आना है, इसका बैकग्राउंड कर देना है ट्रांसपेरेंट और इसको सेव किस में करना है? अल्ट्रा में। इससे ये होता है आपके नेम की क्वालिटी बिल्कुल एचडी रहती है, आपका नेम ख़राब नहीं होता। इतना होने के बाद आप लोगों ने सीधा पीएस टच में चले जाना है। तो अब आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली प्लस पे क्लिक करना है और अपना वो फोल्डर ढूंढना है जिसमें आप लोगों की पिक पड़ी है, ठीक है। तो मैं ये वाला फोल्डर ढूंढ लेता हूँ पिक्स आर्ट में। तो ये जो पिक मैं ऐड कर रहा हूँ ये देखें लाइट टाइप, अगर मुझे इसको डार्क करना है तो वो कैसे करना है मैं आप लोगों को वो भी तरीका बता दे। तो आप लोगों ने इसकी एक कॉपी करनी है और सिंपली इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई करना है और इसको मर्ज डाउन कर देना है, ये देखें, ठीक है। हमारी डार्क टाइप की पिक बन गई, बस इतना सा काम था। अब आप लोगों ने करना क्या, सिंपली आप लोगों ने आना है पिक्सल लैब वाले ऑप्शन में और यहाँ पर अपना नेम ऐड कर लेना है, ठीक है। रोज़ वाला नेम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड हो गया। अच्छा, इतना होने के बाद आप लोगों ने अब करना क्या, ठीक है। अब आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना, समझनी मेरी बात। अब आप लोगों ने इसकी दो डुप्लीकेट कॉपी कर देनी, फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करना है, टू लाइन्स पे आना है, एडजस्टमेंट में रहकर इन्वर्ट कर देना है। जो पहले आप मतलब एफ एक्स में जाते थे फिर लेटिंग में, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये मतलब ये देखें ईजी है, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अब आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देना है, फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है एफ एक्स में और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना। एंगल पहला 135 और ब्लर कितना 5 और डिस्टेंस कितनी 5 और टेक पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई कर देना है, फिर थर्ड वाले लेयर में आ जाना है एफ एक्स में आना है और बेवल में आ जाना है 45 ब्लर और 45 ही डिस्टेंस। पहला एंगल 180 कलर वाइट रहने देना, दूसरा एंगल कितना 45 और जो तीसरा एंगल है ये कितना करना है 135। इतना होने के बाद टू लाइंस पे आएँ, एडजस्टमेंट में रहकर कर्व्स में आएँ। कर्व्स की आप लोगों ने ये सेटिंग रख लेनी, ठीक है, जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही आप लोगों ने सेटिंग कर लेनी। अब आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, पेंसिल में आना, सिलेक्ट पिक्सल में आना और फिर पेंसिल में आ जाना है और ट्रांसफार्म में आना है, एक्सपेंड पर क्लिक करके इसको फुल ले आना है। फुल ले आने के बाद आप लोगों ने एम्प्टी लेयर ले लेनी है, एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है, टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक लेनी और कलर आप लोगों ने कौन सा करना है वाइट और इसकी मतलब है जो वेथ है ये कितनी रखनी है 8 पे। अच्छा 8 पे कर दिया, अब आप लोगों ने पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। इतना होने के बाद आप लोगों ने एफ एक्स में आना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ। अब आप लोगों ने एफ एक्स में आना है और बेवल में आ जाना है। अब आप लोगों ने इसका ब्लर 15 पे कर लेना है और इसकी जो डिस्टेंस ये भी 15 पे कर लेनी है, ब्लर अभी 15 पे नहीं हुआ, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका एंगल पहला 180 कर लेना, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ नजर आ सके। आप लोगों ने 45 दूसरा करना है और तीसरा एंगल कितना करना है 135। अच्छा इतना हो गया, अब आप लोगों ने करना है क्या, टू लाइन्स पे आना है और कर्व्स में आ जाना है, कर्व्स की यही सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी, इसको ऊपर कर देना है। अब आप लोगों ने सेकंड लेयर को कर देना है सिलेक्ट और सिलेक्ट पिक्सल में आना है, ये सिलेक्ट हो गया। अब आप लोगों ने करना है कि एफ एक्स में आना है, फोटो में आना है और यहाँ लेकिन ये थर्ड वाली मतलब लेयर पे ये काम करना है, ठीक है, ग्रेनी नाइट वाला। तो इसकी ब्राइटनेस आप लोगों ने फॉलो करनी है और इसकी सॉरी इंटेंसिटी फॉलो ब्राइटनेस आप लोगों ने अपने हिसाब से रखनी है। यहाँ पर इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है टेक पे क्लिक कर देना है,
फिर इसी लेयर को सिलेक्ट करना है एफ एक्स मैंने बेसिक मैंने और टेंट में आ जाना। टेंट में यहाँ पे कलर कोई भी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करूँगा। तो बाकी आप लोगों ने इस पर एक दफ़ा फिर टेंट लगा देने, ठीक है। यहाँ पर ये देखें टेंट लग गई। अब आप लोगों ने करना क्या, अब आप लोगों ने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, मैजिक वैंड टूल सिलेक्ट करना है और इस दरमियान वाले को सिलेक्ट करके अब आप लोगों ने करना है कि मार्की सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है, मोड मैनेज करना है, इसको यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ पे रखना है और फिर आप लोगों ने एम्प्टी लेयर लेनी है, एंड वाले ऑप्शन में फिल एंड स्ट्रोक में आना है और इसकी 10 पॉइंट तक स्ट्रोक रखनी है। यहाँ तक होने के बाद आप पिक्सल डी सिलेक्ट करें, एफ एक्स में बेबल में आएँ, ब्लर 15, डिस्टेंस 15, पहला एंगल 180, दूसरा एंगल 45 और जो तीसरा एंगल है ये कितना 135। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है कि टू लाइंस पे आएँ, एडजस्टमेंट में रहकर कर्व्स ले लें, इसको यही सेटिंग अप्लाई कर दें। बाकी सारे वर्ड में आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर मैं लाइट एक यूज़ करूँगा, येलो और वाइट। मैं आप लोगों को एक लाइट लगा कर दिखा दूँगा, बाकी आप खुद लाइट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आते हैं लाइट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर मैं ये वाइट लाइट लगा रहा हूँ, इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर दें। एंड वाले ऑप्शन में ट्रांसफार्मर में इसको पकड़कर किसी भी जगह पर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना होने के बाद हमारा यहाँ पर ग्लास वन रेडी, आप लोग डन पे क्लिक करके इसको सेव कर लें, शेयर पे क्लिक करके इसको सेव कर लें। फ्रेंड आज की मेरी पास यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।